जय श्री कृष्णा। मेरे सारे सनातन के भाइयों और बहनों, देश में रहने वाले और देश प्रेमियों, दोनों अलग अलग है इसलिए दोनों को मेरा प्रणाम। कल जो कर्नाटक का रिजल्ट आया तो कहीं जश्न का माहौल होगा, कहीं मातम का माहौल होगा, जो जिनके नसीब में वो दुख है। कर्नाटक के हिंदुओं से दुख है, उस लोग ने दिल भर के भाजपा को और मोदी को हरा दिया। ना भाजपा के काम देखे ना मोदी के काम देखे, बस ये लोग ने फ्री बीज जो ऑफर किए, फ्री बिजली, फ्री फलां, फ्री ढिकना, यानी बहुत सारी फ्री बीज दे दी। हाँ, तो उसके सरेंडर होके उसके हाथ में वोट दे दिए, ठीक है। और ये जो हिंदू है भूल गए कि मोदी जी ने आके या भाजपा ने आके 2014 के बाद देश का क्या काम किया। एक एंटनी उस टाइम हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, उनका एक स्टेटमेंट सब जगह में वायरल है कि हमारे पास तो कुछ पैसे नहीं है तो हम कैसे सामान ले सकते हैं डिफेंस का। तो उस टाइम डिफेंस की हमारी फौजों की यह हालत थी कि हमारे पास बंदूकें थी, गोलियां नहीं थी, तोप थे, गोले नहीं थे, ऐसी ऐसी हालत थी। भला वो पाकिस्तान का और चाइना का क्या हमारे पर अटैक नहीं किया, नहीं तो हम उसी टाइम हार जाते, ठीक है। और ये बहाने बनाते देश के पास पैसे नहीं थे। तो 2004 के बाद क्या करिश्मा हुआ कि मोदी तो राफेल भी लेके आया। हाँ, वो S-400 सिस्टम जो रशिया की बेस्ट डिफेंस सिस्टम है वर्ल्ड में, वो लाया। इतनी मिसाइलें डेवलप की, इतना डेवलपमेंट का काम किया। गडकरी जी इतने रोड फर्स्ट क्लास बनाते हैं, एकदम स्मूथ, जिसमें पानी का ग्लास भी नहीं गिरे, वो पैसा कहाँ से आया? ये केरला वालों ने कुछ नहीं देखा, ना कर्नाटक वालों ने देखा, ना बंगाल वालों ने देखा। इतना डेवलपमेंट का काम की कोई वैल्यू नहीं है। हमारा देश वर्ल्ड की 5वीं इकोनॉमी बनी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आर्टिकल 370 निकाला, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मोदी के काम एक एक गिनते जाओ, मैं बोलता हूँ किताब भर जाएगी, इतने सारे उसने काम किए हुए हैं। हाँ, कुछ हमारे जैसे मोदी से खफा है, लेकिन हम मोदी को हराएंगे नहीं। मोदी से खफा ये है कि वो भी अपीजमेंट की पॉलिसी में लग गए हैं, ठीक है। अपीजमेंट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या वो उनकी कोई मजबूरी होगी? लेकिन मोदी जी, आप कितना भी अपीजमेंट करो, वो लोग आपको वोट देने वाले नहीं है। उनको आपको हेमंत बिश्व शर्मा की नजर से देखना होगा या योगी आदित्यनाथ की नजर से देखना होगा। वो उनको बराबर पहचानते हैं, वो वोट नहीं देंगे। देखो, आपने 5 किलो राशन फ्री दिया, आपने गैस सिलेंडर फ्री करके दिया उनके लिए, महिलाओं के लिए पेंशन वगैरह दिया, 3 तलाक से बचाए, कितने कार्य कर गए। लेकिन मुसलमान तस्ते मस होने वाला नहीं है, वो कभी बिकने वाला नहीं है। वो अपने ईमान या अपनी जो मस्जिद से उसको वो आएगा कॉल, उसको ही मानेगा कि मोदी हमारा विरोधी है, मोदी को हराना है, मोदी हिंदू तरफी है। ये बात आप अगर मोदी जी को पहचान लोगे ने, बीजेपी वाले जो पहचान लोगे ने, RSS वाले पहचान लोगे ने, तो सबका कल्याण हो जाएगा। लेकिन आप तो राजा है, समझो प्राइम मिनिस्टर राजा ही होता है। जिसे आप ये देश को इतने तरीके से चलाते हैं, वर्ल्ड में आपकी इतनी पॉपुलैरिटी है, इतना एक्सेप्टेंस है, मोस्ट पॉपुलर लीडर है, हम भी आपके लिए जान छिड़कते हैं। लेकिन ये हमारी शिकायत है, जैसे घर में रहते हैं, माँ बाप से लड़का कुछ मामलों में नाराज होता है तो हम भी आपसे कुछ मामलों में नाराज है, यहाँ पर अपीजमेंट बंद करिए। तो ये कोई भी बात कर्नाटक के वोटर ने मोदी जी की नहीं समझी, नहीं सुनी और दे दिया वोट कांग्रेस को। कांग्रेस 130 से प्लस कुछ सीट लेके आई, बीजेपी 70 के अंदर रहेगी। वाले संतोष देते हैं कि हमारा वोट 1% ही घटा हुआ है। अरे मावजी भाई, 1% वोट घटा हुआ है, राज्य हाथ से चला गया, वो तो सोचो। हाँ, नीतीश कुमार का सपना खत्म हो गया, तुम नीतीश कुमार को क्यों रोते हो? हमारे हाथ से कर्नाटक स्टेट चला गया, वो रो ने, बीजेपी का पराजय हुआ, वो तो नहीं देखना है। ऐसे पॉलिटिशियन वाला भाषा पॉलिटिशियन ही कर सकता है, हमारे जैसे सामान्य जन नहीं कर सकते हैं। क्यों? हमको पॉलिटिक्स में इसलिए नहीं आना है, हम जो करते हैं ना वो खुश है, भारत माता की सेवा करते हैं, सनातन की सेवा करते हैं, बहुत खुश है। हारने की वजह और जीतने की वजह, वो सब है, राइट। किधर किधर मैंने एक जगह में पढ़ा, ना कांग्रेस की जीत हुई ना मोदी जी की हार हुई, सही में तो एक्चुअली है ना, ये JDS के हार हुए, JDS के 5% वोट कांग्रेस के बाजू में चले गए। लेकिन कांग्रेस का कोई तो करिश्मा होगा ना कि 5% वोट JDS का खींच के लेके गए खुद की ओर, तो जीत लिया। ना तो उसके पास शासन था, कुछ भी नहीं था। हमारे भाजपा के पास तो शासन था कर्नाटक का 2.5 साल से या 3 साल से, फिर भी हम हमारे मतदारों को खुश नहीं कर सके, रिझा नहीं सके, वो मना नहीं सके हमारे लिए वोट करने के लिए, और हमारा वोट परसेंटेज 1% काम हो गया। मूर्खो समझो, ये कर्नाटक वाले भाजपा वाले जीतने जी भी है ना, मूर्खो तुम लोग समझो, मोदी जी, अमित शाह, योगी जी, हेमंत बिश्व शर्मा, दूसरे लीडर इतनी अगर वो नहीं करते ना, तो आपको ये लोग 25% के अंदर सिमटा देंगे। 25% से 36%, 9% या 10% या 11% जो भी वोट मिले हैं, वह इन लोगों के आभारी, आपके कर्म, आपके भ्रष्टाचार, 40% वाली सरकार, 20% वाली सरकार, उसकी तो बदौलत हारे हैं हम। हाँ, और मोदी जी आपको, अमित भाई आपको, और जो भाजपा की कोर कमेटी है, सबको एक रिक्वेस्ट है, ये भी तो किधर से अपने घर से पैसे देना चाहिए कि
खजाने से लुटाते हैं, तो आपको भी कौन से अपनी जॉब से निकाल के देने का है? इतना बड़ा देश आपके पास, इतना बड़ा जीएसटी आपके पास आता है, इतना टैक्स का पैसा आता है, आप भी फ्री भी बांटिए और राज्य करिए, हारो मत। एक भी स्टेट हाथ से जाता है, हमको बहुत दुख होता है, आपको तो होता ही होगा, लेकिन हमको भी बहुत दुख होता है। आप हारिए मत प्लीज, हारते ना तो हमारा मूड खराब हो जाता है, कल पूरा दिन मैंने खाना नहीं खाया था। लेकिन मोदी जी आपको वो फिक्र नहीं करेंगे, क्यों? आपने ना नूपुर शर्मा की फिक्र की, ना काजल बेन हिंदुस्तानी की फिक्र की, ना राजा सिंह की फिक्र की। कलकत्ता में इलेक्शन के बाद ममता के जिहादियों ने कितने लोगों को मारे, कितने कूटे, कितने लूट के लेके गए, आपने उसकी भी फिक्र नहीं की। तो आप मेरे जैसे 71 के बूढ़े की थोड़ी फिक्र करोगे? मोदी जी आपके पास वक्त भी नहीं है, आप शायद मुझे जानते भी नहीं होंगे, लेकिन एक बात मैं बताऊं, मोदी जी हमारा आपसे बहुत गहरा रिश्ता है। आप हमारे गांव दो दफा आ चुके हो और मेरे कजिन मुरशंकर भाई राजीव गुरु के साथ आपकी मेमोरी तो बहुत अच्छे लोग तारीफ करते हैं। खाना भी खाया हुआ है और 11 KV का वक अपना सब स्टेशन ओपन हुआ था। मेरा गांव का नाम है अडवाना, पोरबंदर जिला में आता है, पोरबंदर जिला का लास्ट गांव है, ठीक है। और आप मेरे बहुत अच्छे मित्र के बहुत अच्छे मित्र थे, चंदूभाई पटेल, चंदूभाई फलदू, चंदूभाई फलदू के उधर आपके फोटो है, मैं शेयर करूंगा आपके साथ कभी, वो आप देखना, आपको शायद चंदूभाई फलदू की याद आ जाएगी। धन्यवाद मोदी जी आपका, अपीजमेंट कम करिए, हिंदू लोग ने जो 306 सीट आपको दिए उसको संभालिए, वो उसको संभालोगे तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मेरा वादा है। 85% पॉपुलेशन कर्नाटक में हिंदुओं का है, लेकिन हिंदुओं ने इतना वोट आपको नहीं दिया। और यूपी में 79% हिंदू है, लेकिन भर के सीट देते हैं, क्यों मालूम है? उधर योगी जी मॉडल चलता है। आपको चाहिए एक और योगी जी और एक ओमंतो विश्व शर्मा। आपके सारे के सारे स्टेट में देखो लीडरशिप कितनी कमजोर है, आपको भी मेहनत करनी पड़ती है और मुझे आपको सिखाने की जरूरत है कि लीडरशिप को डेवलप करिए, नहीं सिखाने की जरूरत है। कोई बात नहीं मोदी जी, आपका खूब खूब धन्यवाद, जो भी आप कर रहे हैं 22-22 घंटा मेहनत कर रहे हैं, हम आपके आभारी है, आप थकते नहीं है। जब भी आप प्राइम मिनिस्टर बने आपने एक भी छुट्टी नहीं ली है, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, फिर भी ये वीडियो बना रहा हूँ, क्यों मेरे से रुका नहीं गया? मुझे लगा मेरे पर मेरे देश का कर्ज है, मुझे उतारना ही पड़ेगा, मैं जो सनातनी हूँ, तो ये वीडियो में तबीयत साथ नहीं होने ठीक नहीं होने के बाद भी बनाता हूँ। आपका खूब खूब धन्यवाद। सभी श्रोताओं को, सनातन शक्ति के सभी सब्सक्राइबर को मेरा खूब खूब आभार, खूब खूब प्रणाम। अब वीडियो देखिए, दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए, धन्यवाद। अभी मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है तो मैं बोल नहीं सक रहा हूँ, फिर बाद में बात करूंगा आपसे। धन्यवाद आपका।